ड्रीम, सपने क्यों जरूरी हैं जिंदगी में? कवि पाश की एक मार्मिक कविता है कि मेहनत की लूट भी सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार भी सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी भी सबसे खतरनाक नहीं होती। इसके आगे वो जीवन की तमाम मुश्किलों को बताते हैं और ये कहते हैं कि ये सब भी उतने खतरनाक नहीं है। तो फिर सबसे खतरनाक क्या है? सबसे खतरनाक है मुर्दा शांति से भर जाना, निकलना घर से काम पर और लौट कर फिर काम से घर को आना। सबसे खतरनाक है हमारे सपनों का मर जाना। सपनों का मर जाना, सपने इतने ज़रूरी क्यों हैं? और वो क्या सपने हैं जिनके न होने से ज़िंदगी इतनी खतरनाक हो जाती है, इतनी मुश्किल हो जाती है, इतनी पीड़ादायक हो जाती है? सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम में कंसंट्रेशन कैंप में एक कैदी हुआ करते थे, विक्टर फ्रैंकल। विक्टर वैसे थोड़ा मनोवैज्ञानिक थे और कुछ काम पहले ऑस्ट्रिया में करते थे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हिटलर ज्यूज़ के बहुत ख़िलाफ़ था और जितना संभव था जितने ज्यूज़ उसकी पकड़ में आ सकते थे सबको ला के उसने कंसंट्रेशन कैंप में भर दिया था। कंसंट्रेशन कैंप, आप कल्पना कर सकते हैं, आप ज़िंदगी में जितनी ज़्यादा मुश्किल की कल्पना कर सकते हैं, कंसंट्रेशन कैंप उन सबसे ज़्यादा बुरे थे। विक्टर कहते हैं कि जब वो वहाँ पहुँचे तो उनके साथियों के साथ एक कमांडर वहाँ खड़ा था, उसने इशारा किया कुछ लोगों को कि वो बाएं तरफ जाएं और कुछ दाएं तरफ जाएं। दाएं कौन जाएंगे? वो जो बीमार थे, जो मुश्किल में थे, जो शरीर से कमज़ोर थे, जो बूढ़े थे, जो बच्चे थे, शायद जो किसी काम के नहीं थे उनकी नज़र में, वो गए एक तरफ। और दूसरी तरफ गए विक्टर जैसे लोग जो शरीर से स्वस्थ थे, ठीक थे, जवान थे। जब विक्टर को समझ में नहीं आया कि हम कहाँ जा रहे हैं और लगभग 10% लोग, अगर 100 लोग हैं तो 90 लोग छांट दिए गए थे और 10 लोग ये लोग अलग आए। विक्टर डरते डरते आए, उन्हें लगा कि ज़िंदगी शायद बहुत ख़तरे में है, लेकिन उनके साथी ने उन्हें बताया कि तुम परेशान अभी ना हो, क्योंकि वो जो लोग गए हैं यहाँ से, अभी वो जो चिमनी से धुआं निकल रहा है तुम्हें वो वहाँ से निकलते दिखाई देंगे। विक्टर को एक छोटा सा साबुन दिया गया, उनके कपड़े उतार लिए गए, उनके शरीर पर जितने भी बाल थे सबको शेव कर दिया गया। विक्टर नंगे खड़े थे अपने साथियों के साथ और उन्हें एक उस ठंड में एक कंबल में 4 लोगों को सोने को कहा गया। आप कल्पना कर सकते हैं। विक्टर ने कहा है कि दास्तोवस्की सही कहता था कि आदमी कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, और ये दशा इतनी भयानक कि जब कोई साथी मर जाता था तो उसका शोक नहीं मनाते थे बाकी कैदी, लूट मचाते थे। किसी को उसका जूता चाहिए था, किसी को उसकी हैट चाहिए थी, किसी को उसका कोट चाहिए था। मानवता का इतना पतन, इतना अपमान, इतनी नीचता, आप कल्पना कर सकते हैं कैसे कोई जिए उसमें। विक्टर के कई साथियों ने इलेक्ट्रिक तार पकड़ के अपनी जान दे दी, जिन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ वो ऐसे ही अपनी जान दे देते थे। पर क्या विक्टर के साथ क्या हुआ? विक्टर ने लिखा है कि एक दिन जब वो ट्रैक पर जा रहे थे जहाँ वो काम करते थे, रेलवे ट्रैक पर, आप ही सोच सकते हैं इतना पढ़ा लिखा आदमी, अपने समय में एक अच्छा जीवन जीने वाला आदमी आज ट्रैक पर काम कर रहा है। काम करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन एक कैदी के रूप में काम करना। विक्टर जब ट्रैक पर जा रहे थे तो उनके दोस्त ने कहा कि अगर ऐसी हालत में हमारी पत्नियां हमें देखें तो क्या सोचेंगी? और यही बात विक्टर को एक बिजली की तरह लगी। उन्होंने आसमान की तरफ सर उठा के देखा तो उन्हें लगा कि आसमान में उनकी पत्नी का चेहरा दिखाई दे रहा है। कंसंट्रेशन कैंप में उनके पत्नी, उनके पिता, उनके भाई और भी कई सारे उनके रिश्तेदार थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी पत्नी जीवित है कि नहीं, उनके पिता जीवित हैं कि नहीं, लेकिन उस आकाश में पत्नी का चेहरा देखकर उन्हें लगा
ओह, जो लोग प्रेम की कविताएं लिखते हैं वो क्यों लिखते हैं और उसका जीवन में क्या अर्थ है? विक्टर लगातार काल्पनिक रूप से पत्नी से बात करने लगे। वो सवाल करते और वो जवाब देती। पीछे उनके पीठ पर कोड़े भी बरसाए गए, लेकिन विक्टर को लगा कि जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और बस विक्टर को लगा कि ओह, अगर यहाँ से बच के निकलना है और जीना है तो निराशा से बाहर निकलना होगा, कुछ तो करना होगा। विक्टर लिखते हैं कि उसके बाद से मैंने ये कल्पना करनी शुरू कर दी कि जब मैं बाहर निकलूंगा तो अपनी पत्नी से कैसे मिलूंगा, कहाँ घूमने जाऊंगा, कैसे हम लोग टेबल पर बैठ के खाएंगे, और उसके बाद के सुखमय जीवन की कल्पना वो लगातार करते रहे। उन्होंने अपने जीवन के दुख से अपने को बाहर निकालने की कोशिश की। वो सोचने लगे कि जब मैं बाहर निकलूंगा तो क्या करूंगा। उन्हें लगा कि मुझे यहाँ के लोगों का बहुत गहराई से अध्ययन करना चाहिए। जब इसके बाद मैं बाहर निकलूंगा तो मैं पूरी दुनिया में ये बताते हुए घूमूंगा कि कंसंट्रेशन कैंप में इतनी बुरी हालत में, इतनी मुश्किल में, इतने तनाव में, इतने संघर्ष में आखिर जिए कोई आदमी तो कैसे जिए। विक्टर बताते हैं कि एक आदमी उनके पास आया और उसने कहा कि मैंने सपना देखा है और सपने में एक आदमी मुझसे कह रहा था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तुम जो चाहो बताओ, जो पूछना चाहो वो पूछो। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि हम आज़ाद कब होंगे। उस व्यक्ति ने कहा कि 31 मार्च को तुम सब आज़ाद जाओ। वो व्यक्ति बहुत खुश था। विक्टर कहते हैं कि उसका चेहरा चमक रहा था, उसकी आंखों में रोशनी थी। मार्च में, 31 मार्च में हम आज़ाद हो जाएंगे। और देखा सपना कब गया था, फरवरी के लास्ट में। विक्टर कहे कि वो लगातार इस आशा में कि 31 मार्च को हम आज़ाद हो जाएंगे वो खुश रहता था। उसके अंदर ताकत थी, उनके अंदर जिजीविषा थी। लेकिन जैसे जैसे 31 मार्च करीब आने लगा पता चला कि युद्ध तो और ज़्यादा बढ़ गया है। किसी भी सूरत में युद्ध का अंत नहीं होने वाला है। और वो व्यक्ति 28 मार्च को बीमार पड़ा, 29 को उसने सुध-बुध खो दिया, 31 मार्च तक उसने दुनिया को छोड़ दिया। क्यों ऐसा हुआ? विक्टर कहते हैं उसके सपने टूट गए। वो जो सपना था कि 31 मार्च को हम निकल जाएंगे बाहर, उसे लगने लगा था कि अब ऐसा संभव नहीं है। विक्टर बताते हैं कि उनके साथी कैदियों में जो सोचते थे कि 25 दिसंबर के बाद, क्रिसमस के बाद हम सभी आज़ाद हो जाएंगे, उन्हें लगता था कि क्रिसमस में तो युद्ध बंद ही हो जाएगा ना, सभी क्रिश्चियन देश ही तो लड़ रहे हैं, तो शायद वहाँ तक पहुँचते पहुँचते चीज़ें ठीक हो जाएं। और वो सभी उत्साह में लगे हुए थे। पर जैसे जैसे क्रिसमस नज़दीक आता गया उनकी हताशा बढ़ती गई और क्रिसमस के बाद बहुत सारे उनके दोस्त इस दुनिया को छोड़ गए। क्यों? क्योंकि किसी के पास जीने का मकसद नहीं बचा था। उनकी उम्मीद, उनका हौसला, उनके सपने टूट गए थे। तभी विक्टर ने सीखा कि इस बुरे वक्त में भी ज़िंदगी को एक मायने देना बहुत ज़रूरी है। आपके पास कुछ सपने होने चाहिए, आपके पास कोई विश्वास होना चाहिए, आपके पास कोई भविष्य का ड्रीम होना चाहिए जिसके लिए आप जिए। फ्रेडरिक नीचे कहा करता था कि अगर आपके पास वाई है, जिस किसी के पास भी जीवन जीने का वाई, यानी जीवन जीने का कोई मकसद है, अगर आप पूछें कि हम जीवन क्यों जी रहे हैं, क्यों, और उसका उत्तर आपके पास है, तो वो व्यक्ति किसी भी तरह ये जीवन जी लेता है। विक्टर ने कहा शायद नीचे सही था, एक मकसद देना बहुत ज़रूरी था। और उन्होंने अपने जीवन को एक मकसद दिया कि मैं लगातार जब उन चीज़ों का अध्ययन करता रहूँगा, वो पुस्तक लिखूँगा, वो किताब लिखूँगा जिसमें इस सब दुर्दशाओं की, सब पीड़ाओं की, सब आशाहीनता के संघर्ष की कहानी होगी और हम उससे कैसे बाहर निकलें इसका एक उपाय भी होगा। इन तमाम दुर्दशाओं के बाद भी विक्टर बाहर निकले, पर यह दुर्भाग्य था कि न उनकी पत्नी जीवित थी, न उनके पिता, न उनके भाई। तन्हा जीवन में विक्टर ने अपनी उन्हीं शिक्षाओं को याद किया जो वो अपने दोस्तों के साथ कंसंट्रेशन कैंप में उन्होंने सीखा था। और उन्होंने लगातार पूरी ज़िंदगी इस बात की कोशिश की, लोगों को समझाने की, कि जब बहुत मुश्किल हो, जब अंधेरा घना हो, जब कोई आशा न दिखाई दे रही हो, जब सारी मुश्किलें सर पर आ पड़ी हों, जब सारी उम्मीदें टूट जाएं, तो भी हमें एक सपने को पालना चाहिए।
हमें अपने जीवन को एक उद्देश्य देना चाहिए, हमें अपने जीवन में उस बुरी अवस्था में भी एक मीनिंग ढूंढनी चाहिए। क्योंकि उनके दोस्तों में जिन्होंने भी भविष्य की संभावनाओं की तलाश की थी वो जीवित थे, और वो जो निराश हो गए थे उन्होंने बहुत जल्दी ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया।